हेलो फ्रेंड्स, तो बात करने वाले हैं आइस नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन 2024 के बारे में, जिनका भी यहां पे आइस नेटवर्क का जो है केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ, जिनका माइनिंग डिसेबल हो चुका है, उससे आइस नेटवर्क का टोटल सप्लाई में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिससे प्राइस में वो कितना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, सारे फैक्टर को मैं यहाँ पे कंसिडर करके बताऊँ। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे मैं ऑफिशियल अपडेट विद प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ, तो यार प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बात करने वाले कि आइस नेटवर्क के प्राइस में कितना ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है 2024 में, जो भी बताने वाला हूं मैं इसके ऑफिशियल अपडेट्स ऑफिशियल न्यूज से बताने वाला हूं। तो यहां पे अगर आइस नेटवर्क का टोटल सप्लाई की बात करें तो 30.8 बिलियन का है, जहां पे सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ओनली 1.06 बिलियन आइस टोकन है। अभी कुछ ही दिनों पहले आइस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आइस नेटवर्क से रिलेटेड केवाईसी स्टैटिस्टिक्स को शेयर किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि टोटल यूजर जो केवाईसी के लिए उन्होंने भेजे थे वो 5.5 लाख थे, जिसमें से 4 लाख जो यूजर है वो केवाईसी को पास कर चुके हैं और 1.5 लाख यूजर जो है केवाईसी को फेल कर चुके हैं। नाउ इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 37.5% लोगों ने इनकी केवाईसी को जो है फेल कर चुका है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी उनकी माइनिंग जो है डिसेबल हो चुकी है। अब इससे काफी मैसिव रिडक्शन इनकी टोटल सप्लाई में हम लोग को देखने को मिलेगा और ये काफी अच्छी न्यूज है। और यहां पे मैं ही ये बात नहीं बोल रहा, इनकी टीम ने भी खुद ही बोला था कि ऑलमोस्ट 15% जो इनकी टोटल सप्लाई टोकन है वो रिड्यूस हो जाएगी जैसे ही गाइस इनकी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इनको खुद पता था कि काफी लोग इनकी केवाईसी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नाउ मैं अभी ऑन एन एवरेज ले रहा हूं कि 20-25% लोग ही जो है इनकी केवाईसी को कंप्लीट नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है गाइस कि उनका जो भी कॉइन है वो बर्न कर दिया जाएगा। तो गाइस अगर 25% भी लेंगे तो इनका जो टोटल सप्लाई जो 30.8 बिलियन है उसमें अगर 25% ये जो बर्न कर देंगे तो ऑलमोस्ट 7.7 बिलियन टोकन जो बर्न हो जाएगा, तो उसके बाद जो सप्लाई लेफ्ट होगी ऑलमोस्ट 23.1 बिलियन टोकन जो सप्लाई लेफ्ट होगी, मतलब काफी मैसिव रिडक्शन हम लोग को सप्लाई में देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा इसकी जो मार्केट कैप है वो भी देखोगे तो काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, 5 मिलियन से गाइस ऑलमोस्ट 6.09, मतलब 100% का ग्रोथ यहां पे मार्केट कैप में हम लोग को इंस्टेंटली देखने को मिला है। करंट प्राइस की बात करें तो 0.20582 की सीरीज में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 16.72% का यहां पे ग्रोथ है और वॉल्यूम भी गाइस ऑलमोस्ट 465.28% से ग्रो की है, जिसे वॉल्यूम देखोगे तो 3.21 बिलियन डॉलर का है। तो आप समझ सकते हो गाइस कितना ज्यादा यहां पे पॉजिटिव न्यूज़ है, मैसिव प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसी बीच काफी लोग यहां पे प्रेडिक्ट कर रहे कि जो आइस नेटवर्क टोकन का प्राइस है वो $1 जाने वाला है 2024 में। तो गाइस यहां पे एक आर्टिकल के द्वारा पब्लिश किया गया जो कि एक्सपर्ट लोग यहां पे प्राइस प्रेडिक्शन किए हैं आइस नेटवर्क का, जो कि अगर 2024 में मैक्सिमम प्राइस आइस नेटवर्क का देखोगे तो $0.268 का है और एवरेज प्राइस देखोगे तो $0.239 का है और यहां पे मिनिमम प्राइस देखोगे तो $0.21 का है। बाकी गाइस आप दूसरे ईयर का भी देख सकते हो, लेकिन डेफिनेटली ये सब जितनी भी प्राइसेस है गाइस वो काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करती कि उस समय क्या उनका मार्केट कैप क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगी और सबसे बड़ा बात यहां पे टोटल सप्लाई क्या होगा। बाकी फ्रेंड्स अगर आपका माइनिंग डिसेबल हो चुका है तो उसका क्या सॉल्यूशन है और साथ ही साथ अपने केवाईसी को कैसे वेरीफाई कर सकते हो, इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूं आपसे मैं इस वीडियो में।